Hello everybody and welcome back to another video, and in this video I will solve problem traps from code forces round 792. So let's get started. So problem mein kya diya apne ko, in problem we have been given n traps and every trap has some cost. So we have been given an array of size n, so a1 a2 a3 so on till then, where ai is equal to cost of trap i, and हमको सारे traps के through move करना है. So obviously my final cost will be, every time I move through a trap मेरे को उसकी cost देनी पड़ती है. So my final, I have to move through all the traps, my cost will be a1 plus a2 plus a3 plus a4 so on till am. ये क्या है मेरी final या total cost. And जो मेरी फाइनल कॉस्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, राइट. बट तो इसी को कम करने के लिए वी हैव बिन गिवन के जम्प्स. तो अगर मेरी एरे समथिंग लाइक a1 a2 a3 सो ऑन टिल an, देन लेट्स से आई गो थ्रू a1, लेट्स से आई गो थ्रू a2, बट देन आई कैन चूज़ टू जंप a3. एंड इफ़ आई डोंट गो थ्रू a3 देन मेरे को a3 कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी. आई डोंट हैव टू गिव द कॉस्ट ऑफ a3, बट जो इसके आगे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आगे ट्रैप्स हैं, सबकी कॉस्ट में 1 ऐड हो जाएगा. इसके आगे जो भी ट्रैप्स हैं सब में 1 1 ऐड हो जाएगा. सो यू कैन से कि आपने यहाँ से कितनी कॉस्ट रिमूव करी. कॉस्ट रिमूव्ड हेयर आपने a3 तो रिमूव कर दिया. यू रिमूव्ड a3 बट आपने आगे n-3 ऐड कर दिया. आपने आगे के n-3 एलिमेंट्स में 1 1 ऐड भी तो कर दिया. सो यू बेसिकली यू रिमूव्ड a3 बट यू एडेड n-3. सो यू कैन से द कॉस्ट यू रिमूव्ड इज a3 - n-3. दिस इज द कॉस्ट दैट वी रिमूव. तो ये तो सिर्फ a3 के लिए. सो इन जनरल इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इट फॉर एलिमेंट ai, सो अगर मेरी एरे समथिंग लाइक a1 a2 a3 दिस इज ai + 1, this is an. If you choose to jump any element ai, if you choose to jump this element, then the cost you remove is ai - n - i. अब आप में से कुछ होंगे जो बोल रहे होंगे कि भैया इफ दिस इज समथिंग लाइक a1 ai + 1 सो अनटिल an, कि आप इसमें n-i ऐड तो कर रहे हो. यू आर एडिंग n-i. यहाँ पे n-i एलिमेंट्स हैं, तो आपने कॉस्ट रिमूव में n-i हटा दिया. बट जो इसके आगे भी तो हम ट्रैप चूज़ करेंगे, हो सकता है हम इस आगे कोई ट्रैप यूज़ करें. वी यूज़ सम ट्रैप्स अहेड ऑफ दिस. तो जो आपने यहाँ पे +1 किया, जो आपने यहाँ पे 1 ऐड किया है, तो ये तो मतलब वेस्ट हो गया ना. तो आप n-i में इसको तो कंसिडर कर ही रहे हो. सकता है आपके n-i सारे यूज़ ना हो, आप जो उसके आगे ट्रैप यूज़ करके, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने इसके आगे दो ट्रैप यूज़ किए, तो मेरी कॉस्ट में n-i ऐड नहीं हुआ. मेरी कॉस्ट में n-i - 2 ऐड हुआ, क्योंकि मैंने दो टैप्स चूज़ किए. तो दो दो एलिमेंट्स में 1 ऐड किया था वो स्किप हो गए. सो यू कैन मेक दिस आर्ग्यूमेंट, बट आई विल ट्राई टू शो यू यूजिंग मैथ्स इज कि जो ये आगे एलिमेंट्स दो रिमूव हो रहे हैं ना, इनकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, सो आई कैन चूज़ टू एड n-i हेयर. तो मैं n-i यहाँ पे लिख सकता हूँ. तो जो इसके आगे ट्रैप्स यूज हो रहे हैं उनकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड वी कैन फाइंड इट डिफरेंटली. सो टू शो दिस लेट मी टेक सम एग्जांपल. लेट्स से आई चूज़ टू रिमूव थ्री ट्रैप्स. जो मेरा पहला ट्रैप है लेट से, वो कौन से इंडेक्स पे है? इट इज़ एट इंडेक्स आई. तो कॉस्ट कितना रिमूव हुआ? कॉस्ट रिमूव्ड विल बी ai - n - i. सो इफ आई ड्रॉ दिस, ये मेरा पहला ट्रैप है, ये ith इंडेक्स पे है, तो मेरा n-i कॉस्ट में से रिमूव हो गया. सॉरी, n-i मेरा कॉस्ट में ऐड हो गया. और यहाँ पे, और इसके बाद में ये मेरा पहला ट्रैप है, तो इसके बाद मेरे k-1 ट्रैप्स और भी तो आएंगे. तो यहाँ इसके बाद मेरे k-1 ट्रैप्स और भी आएंगे. तो जो ये मेरा n-i है,
ये जो मेरा एन माइनस आई है ये पूरा यूज़ नहीं होगा, इसमें के जो मेरा के माइनस वन है वो कम यूज़ होंगे। सो आई कैन ऐड प्लस के माइनस वन हेयर, आई कैन ऐड प्लस के माइनस वन हेयर, क्योंकि जो मेरे आगे एन माइनस आई जो मैंने आगे एन माइनस आई वन ऐड किए हैं वो सारे यूज़ नहीं होंगे, उनमें से के माइनस वन कम यूज़ होंगे। सो आई विल ऐड के माइनस वन हेयर। सिमिलरली लेट्स से जो मेरा सेकेंड ट्रैप है, लेट्स से आई प्लेस माई सेकेंड ट्रैप एट इंडेक्स जे, देन द कॉस्ट रिमूव विल बी ए जे माइनस एन माइनस जे, मेरा इंडेक्स जे है, यहाँ मैंने सेकेंड ट्रैप लगा दिया और मैंने कॉस्ट में एन माइनस जे ऐड कर दिया। बट इसके आगे भी तो के माइनस टू ट्रैप्स होंगे, इसके आगे भी तो के माइनस टू ट्रैप्स होंगे, तो जो मैंने एन माइनस जे मैंने कॉस्ट में ऐड किया है वो सारा यूज़ नहीं होगा, उसमें से के माइनस टू कम यूज़ होगा, उसमें से के माइनस टू कम यूज़ होगा, क्योंकि जो आगे मेरे के माइनस टू ट्रैप्स हैं वो जो मैंने वन ऐड किया उसको स्किप कर देंगे। सो आई कैन ऐड प्लस के माइनस टू हेयर। सिमिलरली फॉर माई के जो मेरा थर्ड ट्रैप है, लेट्स से आई प्लेस प्लेस इट एट इंडेक्स के, देन द कॉस्ट रिमूव विल बी ए के माइनस एन माइनस के, और इसमें सिमिलरली यहाँ पे प्लस के माइनस थ्री हो जाएगा। सो नाउ यू आर एबल टू सी द पैटर्न। तो जो मेरा ये वाला कॉस्ट है ना, जो मेरा ये वाला कॉस्ट है, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ प्लस के माइनस वन प्लस के माइनस टू प्लस के माइनस थ्री सो ऑन। सो इन द एंड इट विल कम आउट टू बी के इन टू के माइनस वन बाय टू, इन सबको ऐड ऐड कर दोगे तो यहाँ पे एंड में जीरो हो जाएगा। सो जीरो प्लस वन प्लस टू अप टू के माइनस वन विल गिव आउट टू बी के इन टू के माइनस वन बाय टू। तो मैंने तो ये कितना रिमूव कर रहे हैं, इट इज़ रिमूविंग इक्वल टू ये, सो इट इज़ माई एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स्ट्रा फिक्स्ड फैक्टर। सो जो मैं यहाँ पे के माइनस वन ऐड कर रहा हूँ, नाउ आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज, नाउ आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज, अब बस मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज ये वाला पार्ट, ए आई माइनस एन माइनस आई वाला पार्ट। तो जो मैं ऊपर बोल रहा था कि यहाँ पे हम n माइनस आई ऐड तो कर रहे हैं, तो जो आगे जो मेरे ट्रैप्स रिमूव हो रहे हैं ना, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट रिमूव कर रहे हैं, जो वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, k इंटू के माइनस वन बाई टू। डैट्स वाई यहाँ पे मैं जब मैं यहाँ पे मैं n माइनस आई लिख रहा हूँ, इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैं जो क्योंकि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा वो मैंने पहले ही k इंटू के माइनस जो मेरा k इंटू के माइनस वन बाई टू है उसमें मेरा आ चुका है। सो जो ये मेरा एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था ना बीच में, मैंने इसको पहले के इंटू के माइनस वन बाई टू में समराइज कर लिया। सो आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज, नो आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट ए आई माइनस एन माइनस आई वाला पार्ट। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस नाउ, सो लेट्स राइट द स्टेप्स नाउ, लेट्स राइट द स्टेप्स नाउ। सो स्टेप्स, और यू कैन से माई फिक्स्ड रिमूव फैक्टर विल बी इक्वल टू के इन टू के माइनस वन बाय टू, एंड नाउ फॉर एवरी एलिमेंट, ये मेरा फिक्स फैक्टर है, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस नाउ। नाउ फॉर एवरी एलिमेंट ए आई कॉस्ट इट रिमूव्स फ्रॉम फाइनल कॉस्ट is equal to ai minus n minus i. So let's say I call this removal of i. ये अगर मैं एलिमेंट ai को रिमूव कर रहा हूँ तो कितना कॉस्ट कम हो रहा है, राइट? कॉस्ट रिमूव्ड आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट ai. सो ऑब्वियसली मेरे को के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, सो आई वॉन्ट टू मैक्सीमाइज माई रिमूवल, आई वॉन्ट टू मैक्सीमाइज माई मेरे को के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम कॉस्ट जो मेरा मैक्सिमम कॉस्ट रिमूव कर रहे हैं मैं उन्हीं को चूज करूँगा। सो चूज के मैक्सिमल एलिमेंट्स, चूज के मैक्सिमल एलिमेंट्स फ्रॉम रिमूवल ऑफ आई, बिकॉज ऑब्वियसली जो की एलिमेंट्स मेरा सबसे ज़्यादा कॉस्ट रिमूव कर रहे हैं मैं उन्हीं की एलिमेंट्स को चूज करूँगा। सो चूज के मैक्सिमम एलिमेंट्स फ्रॉम रिमूवल। सो नाउ योर न्यू फाइनल कॉस्ट विल बी फाइनल कॉस्ट माइनस जो आपने की एलिमेंट्स रिमूव करे हैं
माइनस के मैक्सिमल एलिमेंट्स फ्रॉम रिमूवल माइनस योर फिक्स्ड फैक्टर, सो डैट विल बी योर न्यू फाइनल कॉस्ट आफ्टर रिमूविंग के ट्रैप्स ऑप्टिमली. सो यही आपका सॉल्यूशन होगा. एंड इफ यू वांट टू सी माय कोड फॉर दिस, ये मेरा कोड है. सो ये मैंने वेक्टर बनाया रिमूवल्स, ये मेरा क्या है फाइनल कॉस्ट, इट इज़ माय फाइनल कॉस्ट. सो मैंने फाइनल कॉस्ट में पहले सब आ रहा होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन. एंड देन मेरा एलिमेंट ए आई क्या रिमूव करेगा, इट विल रिमूव वी आई माइनस एन माइनस वन माइनस आई. यहाँ एन माइनस वन क्यों है, क्योंकि जो अपनी एरे है वो क्या जीरो इंडेक्स है, सो डैट्स वाई यहाँ पे एन माइनस वन आ रहा है. देन आई जो मैंने रिमूवल में इसको कर दिया पुश बैक, देन मैंने उसको रिवर्स सॉर्ट कर दिया, रिमूवल को रिवर्स सॉर्ट कर दिया. और जो के मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, जो इसके के मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, लेट मी कमेंट इट आउट हियर, चूजिंग के मैक्सिमल एलिमेंट्स फ्रॉम रिमूवल. ये क्या मेरा फिक्स्ड, मेरा एक्स्ट्रा वेक्टर हो गया मेरा फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज फिक्स्ड रिमूवल फैक्टर. एंड माय फाइनल कॉस्ट क्या होगी, माय आंसर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस के रिमूवल, जो मैंने ऊपर के रिमूव किए, माइनस एक्स्ट्रा माइनस फिक्स्ड फैक्टर, दैट विल बी माय आंसर. So that was it for this problem, and if you guys have a doubt, do let me know in the comments and I will be happy to help you out. Also, if you guys don't know, Continued Newton School is offering a full stack development course. The course is over 6 months long and it is totally based on pay after placement model, and you don't have to pay anything. There is zero hidden fees, there is zero upfront fees, and they are granting you a minimum package of rupees 5 lakhs, and the average package is rupees 7 lakhs and the highest package is over rupees 26 lakhs. So it is a very great opportunity. Also, all their mentors are from top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. Also, they will get you placed into the top MNCs as well, like Google, Flipkart, Zomato. You can learn from the mentors that are working at those companies, and you can land a job at those companies yourselves. Also, you don't need to worry if you guys think कि या मेरे को भी कोडिंग आती नहीं है, मैं भी फ्रेशर, मेरे को बिल्कुल नहीं आता है. द कोर्स इज ओवर 6 months लॉन्ग एंड दे विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच, सो यू कैन स्टिल साइन अप फॉर दिस. एंड इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ करियर इन द टेक फील्ड, दिस इज अ वेरी ग्रेट हेड स्टार्ट दैट यू शुड साइन अप फॉर. एंड इफ यू वॉन्ट टू लैंड अ जॉब, आई हाईली वॉच फॉर दिस. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट साइन अप, देर विल बी लिंक डाउन बिलो एंड यू कैन गो एंड साइन अप फ्रॉम देयर. सो Yeah, be sure to sign up for this, and I will see you in the next video. Bye bye.